जय हिंद एवरीवन। आप सबका आपके यूट्यूब चैनल राष्ट्र सेवा पे स्वागत है। आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज इसमें वन नेशन वन इलेक्शन का जो गवर्नमेंट का प्लान है उससे रिलेटेड सरकार जल्दी ही 3 बिल यहां पर लेके आने वाली है इसको इंप्लीमेंट करने के लिए। ऑलरेडी यूनियन कैबिनेट इसको अप्रूव कर चुकी है। आप देख रहे हैं रामनाथ कोविंद जी जो कि पहले प्रेसिडेंट थे यहाँ पे इस कमेटी को हेड कर रहे थे, उन्होंने फाइनली अपनी रिपोर्ट को यहाँ पर सबमिट किया था। अब जो ये 3 बिल्स आ रहे हैं इसमें से 2 तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल होंगे एंड नंबर 3rd जो होगा वो ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन के तौर पे यहाँ पे आएगा। अब सबको पता है अंडर आर्टिकल 368 यहाँ पर पावर्स एंड प्रोसीजर दे रखा है टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन जो कि हमने साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया था। नाउ एक हाई लेवल कमेटी है जिसने प्रपोज किए हैं अमेंडमेंट्स, 3 आर्टिकल्स में चेंज होंगे, उसके अलावा 12 न्यू सब क्लॉज ऐड होंगे एंड जो 3 यूनियन टेरिटरीज हैं जिसमें एट प्रेजेंट लेजिस्लेटिव असेंबली है, दैट मींस विधानसभा है, जम्मू कश्मीर, दिल्ली एंड पुडुचेरी, उनके तीनों लॉज में भी यहाँ पे कुछ चेंजेस किए जाएंगे बिकॉज उनके भी इलेक्शंस इसके साथ होंगे। टोटल नंबर ऑफ अमेंडमेंट्स और न्यू इंसर्शंस टोटल 18 यहाँ पर आ रही हैं। ठीक है, तो आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन से रिलेटेड 3 बिल्स कौन कौन से सरकार आई लेकर आने वाली है एंड किस में यहाँ पर हाफ ऑफ द स्टेट्स की जरूरत पड़ेगी। आप सबको पता है आर्टिकल 368 में एक है स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी क्या होती है? एब्सोल्यूट मेजोरिटी प्लस मेजोरिटी ऑफ 2/3 मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। इसके अलावा अगर कोई पर्टिकुलर बिल फेडरल कैरेक्टर को हिट कर रहा है तो उसमें हमें हाफ ऑफ द स्टेट्स की रेटिफिकेशन की जरूरत पड़ती है। जैसे कि हमने देखा जीएसटी का बिल, उसमें आपके पास सेंट्रल सीजीएसटी आया, एसजीएसटी आया, दैट मींस जैसे ही फेडरल कैरेक्टर को हिट करेगा पर्टिकुलर बिल हमें हाफ ऑफ द स्टेट्स की रेटिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी। नाउ बिफोर प्रोसीडिंग्स, आज से हमारे एनडीए, सीडीएस, एफकैट, सीएपीएफ, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल और टेरिटोरियल आर्मी के बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड्स में ये बैचेस अवेलेबल हैं। जो भी बच्चे इनमें इनरोल होना चाहते हैं 6239847978 आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं एंड बैच में अपने आप को इनरोल कर सकते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला बिल अमेंडमेंट क्या आएगा? द गवर्नमेंट इज लाइकली टू ब्रिंग 3 बिल्स। इसमें से 2 जो होंगे वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करेंगे एंड जो 3rd बिल होगा वो एक ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन के तौर पे आएगा। दैट मींस उसको यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल नहीं माना जाएगा। नाउ सबसे पहला जो अमेंडमेंट होगा वो होगा सेंटर और स्टेट के इलेक्शंस एक साथ करवाने हैं। ठीक है, इसलिए आएगा। दैट मींस आर्टिकल 82 सोर्सेस सेड द प्रपोज्ड बिल वुड सीक टू अमेंड आर्टिकल 82 कैपिटल ए, जिसमें एक सब क्लॉज ऐड किया जाएगा और एक अपॉइंटमेंट डेट यहां पर बता दी जाएगी। इसके बाद सब क्लॉज 2 ऐड किया जाएगा जिसमें लोकसभा की टर्म्स को एंड किया जाएगा और विधानसभा की एक साथ, लोकसभा और विधानसभा की टर्म्स को एक साथ यहां पर खत्म कर दिया जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। दिस इज अ सेकंड आर्टिकल, दैट इज अ सब क्लॉज। उसके बाद 83 क्लॉज 2 को अमेंड किया जाएगा और एक इसमें न्यू सब क्लॉज 3 सब क्लॉज 4 ऐड किया जाएगा जो कि डील करता है ड्यूरेशन और डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा से रिलेटेड। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां पर दिस इट हैज प्रोविजंस रिलेटेड टू द डिसोल्यूशन ऑफ असेंबलीज एंड अमेंडिंग आर्टिकल 327। 327 को अमेंड किया जाएगा और एक न्यू टर्म ऐड की जाएगी साइमल्टेनियस इलेक्शंस, जिसमें सेंटर और स्टेट के इलेक्शंस एक साथ होंगे। आप सबको पता है इलेक्शन कमीशन इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये सारे इलेक्शंस इलेक्शन कमीशन करवाता है। लोकल बॉडीज पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी के इलेक्शन स्टेट का कंसर्न्ड इलेक्शन कमीशन कंडक्ट करवाता है। सो दैट मींस जो पहला बिल है वो सेंटर और स्टेट के इलेक्शंस के लिए है, इसलिए इसमें हाफ ऑफ द स्टेट्स की रेटिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी जैसा कि बताया जा रहा है। नाउ नंबर टू बिल कह रहा है कि साथ में ही लोकल बॉडीज पंचायत और यहाँ पे पंचायत के इलेक्शन और म्यूनिसिपैलिटीज के भी एक साथ करवाए जाएंगे। नाउ हमने 7 शेड्यूल में पढ़ा है यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। दैट मींस स्टेट के अफेयर्स जो लोकल बॉडीज हैं वो स्टेट लिस्ट के अंतर्गत आते हैं। दैट मींस जैसे ही आप स्टेट लिस्ट को यहाँ पे चेंज करने की कोशिश करेंगे, अफेक्ट करने की कोशिश करेंगे, तो वहां पर आपको 50% दैट मींस 14 स्टेट से आपको रेटिफाई करवाना पड़ेगा।
बिकॉज ये पर्टिकुलर बिल स्टेट के अफेयर्स को यहां पर अफेक्ट कर रहा है। इट विल सीक टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस रिलेटेड टू द इलेक्टोरल रोल्स बाय द इलेक्शन कमीशन इन कंसल्टेशन विद स्टेट। बिकॉज जब सेंटर और स्टेट है इसके लिए तो एक इलेक्टोरल रोल बन गया, बट जब आप लोकल बॉडीज की भी इलेक्शन एक साथ करवा रहे हो तो दैट मीन्स आपको स्टेट के इलेक्शन कमीशन से कंसल्ट करना पड़ेगा एक इलेक्टोरल रोल को बनाने के लिए। एंड कॉन्स्टिट्यूशनली दोनों की दोनों सेपरेट बॉडीज हैं, इसलिए आपको यहां पर हाफ ऑफ द स्टेट्स की रेटिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी। इलेक्शन कमीशन एट प्रेजेंट राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट असेंबलीज, विधानसभा और विधान परिषद की इलेक्शंस को कंडक्ट करवाता है, बट जो लोकल बॉडीज के इलेक्शंस हैं वो पर्टिकुलर स्टेट का इलेक्शन कमीशन एट प्रेजेंट करवा रहा है। आई होप दिस इज क्लियर। द प्रपोज्ड सेकंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल विल क्रिएट प्रोविजंस टू होल्ड साइमल्टेनियस इलेक्शंस टू द पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज जो कि लोकल बॉडीज होती हैं अलॉन्ग विद लोकसभा एंड द विधानसभा, जिसके लिए एक नया आर्टिकल एड होगा आर्टिकल नंबर 324 कैपिटल ए इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो पहला बिल हमारे पास आ रहा है सेंटर और स्टेट्स के इलेक्शंस एक साथ करवाने के लिए, जिसमें अपॉइंटमेंट डेट यहां पर बताई जाएगी। नंबर टू, सेंटर स्टेट के साथ लोकल बॉडीज के इलेक्शंस एक साथ होंगे, जिसमें हमें बताया जाएगा कि यहां पर कि विद इन 100 डेज आफ्टर 100 डेज स्टेट के जो पंचायत और यहां पे म्यूनिसिपैलिटीज के इलेक्शंस है वो भी एक साथ करवाए जाए, इसलिए यहां पे हाफ ऑफ द स्टेट्स की रेटिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी। नाउ कम्स द थर्ड बिल। अब आपके पास दो तो कॉन्स्टिट्यूशन के बिल आ गए, बट थर्ड मैंने जैसे आपको बताया वो होगा यहाँ पर ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन। बिकॉज एट प्रेजेंट तीन यूटी हमारे पास, एक पे तो अभी इलेक्शन चल रहे हैं जम्मू कश्मीर, दिल्ली, पुडुचेरी, यहाँ तीनों जगह पर आपके पास लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं यूटी में, इसलिए यहाँ पर इनके जो तीनों के लॉज हैं जो स्टैट्यूट्स हैं वो अमेंड कर देंगे। एनसीटी 1991 जिसके अंतर्गत स्पेशल स्टेटस दिया गया था दिल्ली को, 1963 जिसके अंतर्गत पुडुचेरी को स्पेशल स्टेटस है, एंड 5th of August 2019 जब हम देखते हैं कि जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 आया जिसमें जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस दिया गया विद द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लद्दाख को एक सिंपल यूटी के तौर पर रखा गया। लेजिस्लेटिव असेंबली का मतलब है वहां पर चीफ मिनिस्टर होगा, जैसे कि अभी वहां पर इलेक्शन हो रहे हैं। तो इन तीनों के स्टैट्यूट्स में चेंज किया जाएगा सो दैट इन तीनों के इलेक्शन को अलाइन कर दिया जाए विद द लोकसभा एंड द लेजिस्लेटिव असेंबलीज। ये प्रपोज्ड बिल ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन होगा, दैट मींस इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी चेंज नहीं होगा, दैट मींस इसमें संविधान से रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल से रिलेटेड कुछ भी नहीं है, दैट मींस इसमें हाफ ऑफ द स्टेट्स की रेटिफिकेशन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत शानदार आर्टिकल आया था ये द प्रिंट में यहाँ पे, तो तीन बिल्स लाने की यहाँ पे विंटर सेशन में होपफुली शायद आ जाए। नंबर वन, सेंटर और स्टेट के इलेक्शन एक साथ। नंबर टू, सेंटर और स्टेट प्लस लोकल बॉडीज, इसलिए वहां पे रेटिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट्स की जरूरत पड़ेगी। नंबर थ्री, यहाँ पे दिल्ली, पुडुचेरी एंड जेएनके के इलेक्शंस को भी साथ में अलाइन किए जाएं, तो इनके स्टैट्यूट में कुछ चेंजेस किए जाएं। अगर हम एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बात करें तो संविधान में अमेंडमेंट तीन तरीके से होता है, सिंपल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी प्लस रेटिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट्स, बट इन दोनों को यहाँ पर कंसिडर किया जाता है अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368 of the Indian Constitution. I hope this is clear. इसलिए दो bills Constitution में amendment लाएंगे और third bill खाली ordinary legislation की तरह यहाँ पर pass होगा। तो ये था हमारा one nation, one election से related क्या-क्या constitutional amendment bills या कौन-कौन से articles में changes होंगे। So with these words, I conclude my today's session. Jai Hind to all. Take care.